सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये देखो ये मेरी कंप्लीट लुक। बिहाइंड द सीन्स ना कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अलका भी पता क्या कर रहे हैं, ये लगा रहे वाला बुके केक बनाया वैलेंटाइंस डे के लिए, और एक ये बनाया देखो इन्होंने, क्या बोलता है, पिनाटा केक। पिनाटा केक निकुंज भी गए थे अपने भाई के, ये भी कितने दिन लगाए छोटी आपने। वही 10-11 दिन। सो हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत आप लोगों को पता है कहाँ से हो रही है। आज हम लोग कोटखाई से अपने व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि हम लोग घर पहुँच के, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग घर पहुँच गए हैं। एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बिजी थे क्योंकि घर में 5 दिन के लिए पूजा चली हुई थी, और उसके बाद मैं आज फ्री हुई तो मैंने सोचा कि व्लॉग कर लेती हूँ। तो अभी फिलहाल ना मैं रेडी होकर के जा रही हूँ अलका भाई के घर। अलका भाई को थोड़ा सा काम है और मेरे को भी एक पहाड़ी गाने पे रील शूट करनी है, तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। और इयररिंग्स आप लोग देख रहे होंगे मेरे, कि काफी बड़े बड़े मैंने पहने। एक्चुअली कल मैं कहीं गई थी तो ये पहने हुए रह गए, मैंने उतारे ही नहीं कल से। फिलहाल इनको रहने देते हैं क्योंकि मैंने एक रील्स भी बनानी है, तो इनके साथ ही बना लूंगी। फिलहाल चलिए मिलाती हूँ, सबसे पहले तो नवीश निवास से मिलाती हूँ, क्या करें यहाँ पे। ये देखो पीछे नवीश निवास आपस में लड़ रहे थे, अब भी इन्होंने लड़ना बंद किया है शायद, आप लोगों को बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई दे रही होगी जब मैं बोल रही थी। नवीश निवास हाय बोल दो बेटे, ऐसे करो हाय। ये हमारे आदू, आदू हाय बोल दो। क्या खा रहा है? ये रस खा रहा है। और ये देखो इधर है हमारी सुषमा दीदी, ये है जी हमारे बुआ जी बैठे हो, यहाँ पे नायशा बैठी हुई है, ये लोग अपने कार्टून वार्टून देख रहे हैं। दादी कहाँ गए बुआ, दादी कहाँ गए? अच्छा आई भाई, अभी अभी मैंने यहाँ झाड़ू देख के हटी हुई, ये देखो यहाँ पे फिर से इन्होंने वैसे ही गंदा कर दिया इधर। और यहाँ देखो यहाँ भी अभी अभी, ये देखो यहाँ पे भी दादी। तो ये देखो जी यहाँ है दादी, दादी को सब ज्यादा याद आ रही थी हमारी दादी। अरे कितनी याद आई जब मैं कुल्लू गई थी आपको? बहुत याद आई, बहुत याद। सच बोलो, बेटी का इतना बुरा था ना, इतना बुरा लगा। आपको लगा होना दादी नायशा को बुरा, मेरा भी लगा था। और क्या, तो आपको नहीं लगा? सच में लगा था। अच्छा दादी तो बोल रहे थे कब से, बार बार फोन करते, फिर बोलते तुम कब आएंगे, इतना टाइम हो गया तुम लोगों को। और इस बार पता मैंने, मतलब जब से मेरी शादी हुई 8 सालों से लेकर के, सबसे ज्यादा दिन लगाया दादी इस बार मैंने कुल्लू में, है ना। नहीं तो जाती थी मैं 24-25 दिन में आ जाती, महीने से ज्यादा। मैं 1 तारीख को गई थी और फिर 3 तारीख को आए हम लोग, और 31 का महीना था, तो सोचो इस बार मैंने काफी ज्यादा दिन लगाए मैंने इस बार। निकुंज कहाँ गए? निकुंज नीचे अपने रूम में हो, क्या बोल रहे हैं? नायशा आप अपने बाल तो देखो, गुद बनाई थी वो क्यों निकाली आपने। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये देखो ये मेरी कंप्लीट लुक आज की, जो एक पहाड़ी गाने की प्रमोशनल रील मैंने बनानी है उसके लिए। तो चलिए जी चलते हैं कभी के घर, और ये देखिए यहाँ से नज़ारे देख लीजिए आप, बर्फ पड़ी हुई थी चोटियों में और अभी भी वहाँ देखो उधर पहाड़ों में बर्फ है, और ये रो गए नीचे बच्चे, पड़ में भी बर्फ पड़ी, भाई क्यों रो रहे हैं। और ये देखो इनको देखते बच्चों कौन रो रहे हैं, इसके पीछे लड़ रही है दादी की गाची है। सो इस व्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले 2 मिनट में आपके लूंगी। तो यार आजकल ना हम लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, मतलब कि टाइम ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, और ख़ासकर से जो मेरी तरह वर्किंग वीमेन हैं जिनके पास की अपनी जॉब भी है फैमिली भी है, और मेरे पास तो साथ में यूट्यूब भी है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। बट इन सभी चीज़ों के बावजूद भी मुझे अपनी स्किन और अपने हेयर के बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी टाइम से लेकर के ना क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, और क्योर स्किन की ऐप का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट से अपनी जो मेरी स्किन डॉक्टर हैं, जो मेरी स्किन स्पेशलिस्ट हैं क्योर स्किन के ऊपर, उनके साथ चैट कर लेती हूँ, और जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं उनसे मैं कंसल्ट कर लेती हूँ। तो मैं रिसेंटली कल ही मेरा अपॉइंटमेंट था मेरी डॉक्टर के साथ, और मैंने उनसे जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी वो शेयर करी, और साथ में मैंने फोटोज उन्हें अपनी भेज दी, तो उन्होंने वो पूरा एनालाइज करके मुझे सजेस्ट किया, और मुझे जो भी मेरी किट थी ना वो थोड़ा सा उन्होंने चेंज की, क्योंकि होता ये है कि हमारी जो स्किन होती है ना वो भी टाइम के साथ और हमारी एज के साथ हमारी स्किन भी एज करती है, और हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी हमें चेंज करने चाहिए टाइम टू टाइम। तो मेरी जो किट थी स्टार्टिंग में, जो मेरी किट थी ना वो कुछ अलग थी, और अभी के टाइम पे मेरी जो किट है मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ अलग हैं। सो मुझे ना क्योर स्किन से बहुत जेन्युइन रिजल्ट्स मिले हैं, मैं यहाँ पर अपनी जो जर्नी है ना वो शेयर करूँगी। मुझे आई थिंक कि 2 साल से ज़्यादा हो गया क्योर स्किन को यूज़ करते करते, और ये जो स्क्रीन शॉट है ना ये मेरी पहले की है जब मैंने स्टार्टिंग में यूज़ करना शुरू किया था क्योर स्किन को, और अब ये अभी की रिसेंट है। अभी मेरी स्किन पर पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, और काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि मेरी जो स्किन है वो काफ़ी हेल्दी हुई है पहले से। तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको भी आपके स्किन से रिलेटेड, आपके हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग क्योर स्किन ऐप पे जा सकते हैं, और क्योर स्किन जो ऐप है ना ये काफी जेन्युइन प्राइजेस में आपको इसमें किट भी मिल जाती है ओनली 1499 में, और इसके साथ ही अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इसके ऊपर भी 300 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ देखने को मिलेगा। एंड इसमें आपको ना किट के साथ साथ आपको आपका एक कस्टमाइज डाइट चार्ट भी मिलता है, और साथ में जो मंथली फॉलोअप्स रहते हैं, चेकअप्स रहते हैं, वो भी आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं,
और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो देखते हैं डॉक्टर्स की आपकी जो स्किन है ना वो कितना इंप्रूव कर रही है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो पूरा एक तरह से चेक रखा जाता है आपकी स्किन के ऊपर। सो गाइस केयर स्किन ऐप का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और साथ में ही मैं कॉमेंट भी पिन कर दूंगी और आप लोग जा करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जी कंटिन्यू करते हैं आज के ब्लॉग को। और आज ना मैंने एक और कांड कर दिया था, मैंने कपड़े धोने के लिए डाले नीचे और ये वाली जो जैकेट है ना ये कुल्लू से पहन के आई थी, तो इसके अंदर मेरा माइक भी था और माइक के साथ साथ एक जो मैंने जो नॉर्मली मैंने कान में वो छोटी छोटी बाली डाली होती है, एक तो आजकल अंकित ने डाली और दूसरी वाली मैंने इसमें रखी थी, तो वो थैंक गॉड वो गीता को मिल गई थी, गीता ने इतने संभाल के। मैं भी बस व्लॉग शूट करने के लिए माइक ढूंढने लगी थी, फिर मुझे याद आया मैंने यार कुल्लू से ला के मैंने माइक इसमें ही रखा था जैकेट में, फिर फटाफट नीचे गई, मैं कहा गीता आपको मिला मेरे जैकेट में कुछ, बोलते हैं हाँ आपका माइक था और साथ में जो कान की बाली थी वो तो गीता को जब वो वॉशिंग मशीन में डाले थे ना कपड़े, वॉशिंग मशीन में मतलब जब खाली करी तो नीचे वॉशिंग मशीन में गिरी हुई थी, वो लकीली मिल गई वो, नहीं तो मेरे को लग रहा है कि आज गई थी वो। नवाई जाओ आप खेलो, अब मैं अभी आऊँगी चीज़ें लाऊंगी मैं तुम्हारे लिए, ठीक है? ठीक है, क्या चीज़ें खानी है, क्या खानी है? नहीं आना बाबू अभी परे, पता है क्या मेरे को ना काम है काका, फिर मैं आपको कहाँ रखूँगी, मेरे को काम है। नायशा बोल रही थी मैंने भी आना, मैंने इनको टरका दिया है, मैं शाम को आऊँगी फिर हम शॉप जाएंगे, मैं दुकान ले जाऊँगी, ठीक है पक्का वाला प्रॉमिस, ठीक है जाओ। और जी ये मिलिए गीता से, गीता कैसे हैं आप? ठीक है आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ गीता, कुल्लू में भी सब 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 ठीक है, सब है कुल्लू में भी सब है बढ़िया। तक मिली आज मेरी बाली, गई थी मैं आज काम से मिल गई आपको थैंक गॉड। पहुंच गए हम लोग अलकापुर के घर, अलकापुर रेडी हो गए हैं, दीपा चाची थैंक यू, अगर मैं कहने सोई है हाँ जी। और ये देखो जी एक लड़की दिन के 3 बजे सो के उठ रही है। हाँ जी गुड़िया जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आपके हो गई नींद पूरी? ये ना बेचारी पूजा में थक गई है, कल थक गई है, तो क्या करे, इसको इतना काम करना पड़ा है, तब चल पड़े मन कभी का की वीडियो बनाने। आजा आजा तू भी आजा, ठीक है चाय लेके आइयो फिर, ठीक है हाँ ठीक है अभी तो नहीं कॉफी पी, अभी अभी नो चाय, शाम को देखती हूँ, बाय लाइट तो जला दो। तो जी ये देखो जी अलका बुई का स्टूडियो, और अब मैं भी कुछ टाइम में सोच रही हूँ कि अपना यूट्यूब स्टूडियो सा एक मतलब थोड़ा प्रोफेशनल सा यार कर लेती हूँ, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया मेरे यूट्यूब पे, और मेरे को मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं, स्पेशली चांदनी मेरे को बोल रही थी कि यार अब एक मतलब प्रोफेशनल सा सेटअप एक बना दे जहाँ पे थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई मैं भी यूट्यूबर हूँ ब्लॉगर हूँ, 100K हो गए हैं और सिल्वर प्ले बटन आ गया। फिर अभी तो पता क्या ना मेरे को रूम ही नहीं समझ आ रहा कि कौन से वाले रूम में यूट्यूब का सेटअप बनाऊँ, क्योंकि लगभग सारे कमरे ऑक्यूपाइड है मेरे घर में, 2 कमरे नीचे वाले, बट मेरे वाला जो कमरा है वो आपने देखा है वो बहुत ही कंजस्टेड सा है, बेड उसमें 8x8 का है, तो बाकी जगह थोड़ी सी बचाती है, उसमें कोई लग नहीं रहा कि उसमें जगह होगी स्टूडियो के लायक, और एक फिर निकुंज का बचता है बट उसमें निकुंज वगैरह का सामान है, देखता है। फिर ऊपर हॉल है, हॉल में मेरे को लगता नहीं बन पाएगा क्योंकि हॉल में भी दिन को बच्चे जाते खेलने लोग भी आते हैं, तो देखते हैं कुछ सोचते हैं, शाम को डिसाइड करते हैं मैं और अंकित बैठ के, क्या बोलते हैं कि तो ये देखो भाई जुगाड़ू काम, मतलब देखो बिहाइंड द सीन्स ना कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अलका भाई पता क्या कर रहे हैं, ये लगा रहे हैं मतलब पीछे बैकग्राउंड को मतलब वो स्मूथ दिखाने के लिए ना ये कंबल लगा रहे हैं, देखो ये वाले कलर का, और ये बहुत ही सुंदर लगता है। रिसेंट रील्स में इन्होंने 1-2 में लगाया था, और मैंने जब देखा ना मैं कुल्लू में थी, मैं अलका भाई को कॉल करूँगा आपने ये वॉलपेपर कब लगा दिया, ये लगता है पूरा वॉलपेपर बट ये ब्लैंकेट है, देखो सही जुगाड़ ढूंढा अलका भाई ने। एफर्ट्स मैटर करते हैं आपके, कितने एफर्ट्स आप डाल रहे हैं यार, इसके स्टूडियो बनाएंगे स्टूडियो बनाएंगे बिल्कुल बनाएंगे भाई। पर ये पता क्या यहाँ पे वॉलपेपर नहीं लगा सकते क्योंकि ये पीछे लकड़ी की अलमीरा है ना, ये पीछे देखो ये, तो इसके ऊपर वॉलपेपर भी नहीं लगेगा ना, दीवार होती तो लग जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। तब क्या बिहाइंड द सीन्स है ये देखो, अभी पता क्या वीडियो में ऐसे दिखेगा, देखो वीडियो में ना ऐसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा कुछ, देखो लोगों को क्या पता पीछे हमने कंबल लगाया ना, सीक्रेट हमारे बीच में रहेगा, इंस्टा वालों को कोई पता नहीं चलेगा, यूट्यूब वालों को पता चलेगा मैं ब्लैंकेट है पीछे। तो जी है जी नहीं मैं नहीं चलूंगी, नहीं कपड़े मत चेंज करो मेरे को छोड़ो, पहले अंधेरा हो गया बाहर, देखो अंधेरा हो गया, इनकी वीडियो शूट करते करते मेरे को हो गया जी 4 घंटे, 4 घंटे में हम लोगों ने, हाँ बता तो देती हूँ आप लोगों ने ना क्या बनाया कभी ने, ऑन करो 1 मिनट अंधेरा ही हो गया। ये देखो ये वाला बुके केक बनाया वैलेंटाइंस डे के लिए, और एक ये बनाया देखो इन्होंने, क्या बोलते हैं पिनाटा केक जो हमने फोड़ दिया है, और अब मेरे को घर छोड़ दो भाई, बंद कर दो ये रिंग लाइट वगैरह। तो चलो जी वर बिना रिंग लाइट के वैसे है ही है, लाइट थोड़ी थोड़ा बहुत दिख ही रहा है साहब, चलो आ जाओ ये करना पैकअप बाद में, अब अंधेरा होगा दिखाती हूँ आपको। ये देखो भाई 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 जल्दी आओ, ये वाला फोन तो यहीं रख, ले जाएगा कोई है। अच्छा
आप मेरे को ना बहुत सारे लोग पूछेंगे कि अलका भाई ये जो ड्रेस है कहाँ से लिया, ऑनलाइन लिया ऑफलाइन लिया आपने? ऑफलाइन। सॉरी भाई ये ना लोकल मार्केट से ली है, बट मेरे को ना ऑस्ट्रेलिया से भी पूछ रही हाँ, अभी इनकी फ्रेंड का फोन गया तो पूछ रहे थे, पर ये पता है क्या ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, मैंने बहुत देखी इसकी ऐड वगैरह ऑनलाइन भी है ये वैसे अवेलेबल, पर ये कि महंगी मिल सकती है आप ऑनलाइन थोड़े। बेबी क्या कर रहे हो आप, ये क्या आपके हाथ में बेटा, यहाँ देखो यहाँ देखो ये क्या, ये कहाँ से लाई आपने? दादी ने दिखाई है। अच्छा जी, अच्छा अपनी पायल लेके आइए लो जी। एक जोड़ी उसने हाथ में घुमा रही है, एक जोड़ी पैर में पहन रखी है इसने। नशा ये दी किसने आपके पास बाबू, किसने दी आपके पास? हाँ दूसरी वाली भी दादी ने दी, बेटे दादी के पास वापस कर दो, चलो गुम कर दोगे नशा आप, गंदी बात आपकी तो है ना, मैंने थोड़ी बोला मेरी है, गुम हो जाएगी ना बाबू, दादी के पास दे दो जाओ। क्या क्या है, क्यों उठूं? अच्छा हेलो, ये देखो यहाँ पे बिल्ली मस्त सोई, इसको आजकल ठंड लगती है, कहाँ बैठी होती है, तंदूर की मस्त सोई होती है मम्मी। तो जी हम लोग पहुँच के घर और निकुंज से आपको मिलाते हैं। निकुंज लोग आपको मेरे व्लॉग्स में मिस कर रहे थे एक महीने से लेके, और निकुंज भी गए थे अपने भाई के, ये भी कितने दिन लगाए छोटी आपने? 10-11 दिन लगाए, फिर इनके ऑफिस था तो फिर ये घर आ गए थे, और निकुंज हाय बोलते सस्पेंस सबको, लोग निकुंज को मिस करते हैं और बोल रहे थे कि निकुंज मैम को दिखाओ, मैं कहा भाई कैसे कहाँ से दिखाऊँ मैं, खुल्ले तो निकुंज आते नहीं मेरे साथ, आपके कर रहे इसमें। अच्छा ये अपने जो कान में लगाया ना मैं इनको निकालती हूँ, ये पता कैसे है? ओह माय गॉड, बाय गॉड छोटी क्या हो गई, टीटा कैसे हो गई, ये इतनी जोर से नायशा ने हक किया ना, और नायशा ने मतलब झटका लग गया इसको, और ये इतने लंबे इसकी डंडे ना पीछे वाले छोटी, इतनी जोर का चुभाना आप, मतलब मेरे को लग रहा था कि खून निकल जाएगा मेरे, और तभी तो मैं इनको पहनती हूँ, ये ना बहुत लंबे है इसके, ये पीछे वाला भी लंबा है और ये चुभते हैं, और मैं निकाल के ना मम्मी के पास दे देती हूँ इनको, इन्होंने बड़ा दुखी कर रखा मेरे को भाई। ओ भाई कल तो पता नहीं मैं सोई कैसे हूँ छोटी, मैंने पता निकाले मैंने इसलिए, मेरे को लगा मैं फिर सोते टाइम हर कहीं रख दूंगी, सुबह फिर मैं भूल जाऊंगी और वही बाली की तरह हाल हो जाएगा इनका, जैसे बाली आज गुम कर दी थी मैंने, ये भी ना कर तो मम्मी के पास पहुंचा देती हूँ टाइम पे इनको, है ना मम्मी के पास दे देती हूँ। तो जी बस आज के ब्लॉग में इतना ही, और अंकित भी आज के ब्लॉग में दिखे नहीं, वो आज घाटी गाँव गए थे, वहाँ मैच लगा हुआ है साथ वाले गाँव में, और बिनु भाई भी नहीं दिखे, वो कहाँ थे छोटी, बिनु भाई कहाँ थे आज? हाँ वो गुम्मा गए थे, तो बाकी तो लगभग सभी दिख गए, पापा भी है ही है किचन में, पापा भी अभी दिखा दूंगी। तो बस आई होप कि आप लोगों को भी जो याद आ रही थी, जो आप लोग मिस कर रहे थे सबको, जो बुरा आप लोगों को भी लगा हुआ था, वो आप लोगों का भी ख़त्म हो गया होगा। तो अब जो ब्लॉग्स हैं वो अब कोटखाई से ही आने वाले हैं, और मैंने आपको बताया आज कि अब मैं थोड़ा सा सोचूं यूट्यूब का जो सेटअप है उसको बनाने के लिए, कल डिसाइड करते हैं, आज अंकित आएंगे अभी तो फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा रूम में करें, कैसे करें, क्या करें, तो वो फिर कल आप लोगों को मैं बताऊँगी। तो बस आज की ब्लॉग के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट और शेयर भी करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। ये मम्मी के पास दे देती हूँ मम्मी बाय। वो तो निकुंज के उसमें डाल दी मैंने। एक और चीज़ देखो मैंने मम्मी के पास दी ना अभी, वो कान के इयरिंग्स में मम्मी के पास दिए, तो आपने देखा कि मम्मी ने हाथ में नहीं पकड़े, मम्मी ने कहा कि हाँ नीचे रख दे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, बोलते हैं पता नहीं क्यों बोलते हैं लोग, मेरे को समझ नहीं आता, कुल्लू में तो ऐसा होता नहीं है कि जो गोल्ड की चीज़ होती है ना सोना होता है वो ऐसे डायरेक्ट हाथ में नहीं पकड़ते, बोलते हैं शायद लड़ाई होती है कुछ ऐसा बोलते हैं। मैं पता क्या करती हूँ, मम्मी के साथ तो नहीं करती, हाँ जैसे अलका भाई हो गए, निकुंज हो गए, मतलब मेरे साथ के जिनके साथ मैं मजाक करती हूँ, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, जब भी मैंने कोई गोल्ड की चीज़ देनी होती है लेनी होती है, मैं जबरदस्ती हाथ पकड़ पकड़ के ना उनका हाथ पकड़ के अपने हाथ में लेती हूँ। अब इन लोगों को तो अजीब लगता है क्योंकि इधर साइड में है, बोलते हैं मिथ्या तो बचपन से लेके सुनी होती है, तो नेचुरली विश्वास भी लोगों का होता है, तो मतलब मैं जानबूझ के लेती हूँ और मैं बोलती हूँ कि भाई अगर लड़ाई होगी ना मेरे को पूछना, बिल्कुल लड़ाई नहीं होगी। पर हाँ मम्मी के साथ ऐसा नहीं करती, मम्मी को मैं चुपचाप में बोलते हैं नीचे रख दे, चुपचाप से रखती हूँ नीचे, अभी मैंने नीचे रखा तो मैंने उठाया।